वेल नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं वो भी नहीं बेचारे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मोटर जगह भी ने। आज हम लोग जा रहे हैं राजापुर सिटी में, और उसके बाद हम लोग आपको सिटी भी दिखाएंगे। उसके बाद राजापुर में एक फेमस टेंपल है जो दूर्पेश्वर नाम से फेमस है, और महादेव का मंदिर है एक्चुअली वहाँ पे। तो उसके आजू बाजू में सीन भी बहुत बढ़िया है, आप देखोगे आगे। चलिए, और एक्चुअली हम लोग दोनों ही नहीं जा रहे, साथ में मेरी सिस्टर और ब्रदर्स भी है। तो एक हम लोग का फोर व्हीलर रहेगा और मेरा एक बाइक। वो लोग आगे गए, हम लोग अभी पीछे से जा रहे हैं। हम लोग का कुछ काम था मार्केट में, इसके लिए आगे गए। और क्या बताएं, आपको पता ही है कोकर में आने का मजा ही कुछ हो रहा है। 15 दिन की छुट्टी ली है, मस्त एंजॉय करने का टाइम है। और ये आम का सीजन है, इसके लिए स्पेशली ये टाइम पे आना पड़ता है आम खाने के लिए। बाकी सब बढ़िया है यहाँ पे, और मौसम भी अच्छा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा बारिश भी नहीं है। मतलब बारिश मई में बारिश थोड़ा थोड़ा पड़ के जाती है, मतलब कभी कभार बारिश, एक्चुअली बारिश का टाइमिंग रहता है जून से, पर मई में कभी कभार बारिश गिरती है यहाँ पे भी। और जैसे कि मैं आ रहा था मुंबई में गांव में, तभी भी बारिश गिर रही थी शायद उसके एक दिन पहले। और हम लोग अभी ब्रिज पे आए, ये नया ब्रिज बना है एक्चुअली यहाँ पे। पहले तो ये डायरेक्टली नीचे से ही रोड था, अभी इसके बाजू में राइट साइड में पेट्रोल पंप है और 2-3 शॉप्स है हार्डवेयर के। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये जो ब्रिज बन रहा है वो आगे जाके राजापुर का जो एसटी बस डेपो है वहाँ पे नीचे उतरता है। कोई कोई मतलब बहुत दिनों के बाद जो लोग आते हैं राजापुर सिटी में या राजापुर गाँव के गाँव में, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर आ गए, ये रोड तो नहीं था पहले। आप देख सकते हो यहाँ पर भी थोड़ा रोड का काम बाकी है हाईवे का, अभी चल रहा है। और ये राइट साइड में आपको दिख रहा है जो बस लगी थी अभी, वो यहाँ पे एसटी डेपो है, हाईवे का बस डेपो जो मेन है जो यहाँ पे। और फिलहाल ये रोड का काम चल रहा है, ये रायपुर सिटी के अंदर जो मार्केट में रोड जाता है ये रोड है, और ये रोड का काम चल रहा है। मुझे लगता है 7-8 साल से ये रोड का काम अभी तक हुआ नहीं था, वैसे का वैसे ही रोड है, बहुत सारे गड्ढे रोड में। और यहाँ पे अभी बस सेवा भी बंद रही है फिलहाल, तो रोड का कुछ पाइपलाइन का काम चल रहा है इसके लिए, क्योंकि रास्ता आप देख सकते हो छोटा है बहुत, तो बस आ नहीं जा सकती। बड़े बड़े गाड़ी नहीं जा रही है अभी नीचे, सिर्फ कार ऑटो सभी जा रही थी। शायद ये रोड बारिश के पहले ठीक होना चाहिए, तो पानी से सब खराब हो जाएगा और ही खराब हो जाएगा। ये एक एक्सीडेंट टर्निंग है यहाँ का, और ये राइट साइड में आप देख सकते हो ये बिल्डिंग, ये सब राजापुर हाई स्कूल और कॉलेज है, जूनियर कॉलेज। यहाँ पे मेरा कॉलेज हुआ है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, हाई स्कूल है हम लोग का, बहुत ही यादें जुड़ी हुई है। पूरा यहाँ से नीचे तक यहाँ तक ही कॉलेज है और हाई स्कूल है।
यहाँ से राजापुर का मेन मार्केट चालू हो जाता है, मतलब यहाँ से जो कुछ भी लाइफस्टाइल में आपको लगता है वो सब यहाँ पे मिल जाता है। ये और ये इसमें हफ्ते में एक बार बाजार भी भरता है यहाँ पे। और बारिश में तो इसमें यहाँ तक पूरा पानी आता है, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये बस डे मतलब बस स्टैंड है, इसका ग्राउंड फ्लोर तो पूरा पानी के नीचे ही रहता है। चलो तो फिर हम लोग अभी निकल रहे हैं, बाजार ख़त्म हो गया हम लोग का, अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। ये रोड जाता है मंदिर की तरफ। आप अगर कोई नए बंदे हो मतलब ये मंदिर के लिए जा रहे हो तो मैं आपको गाइड रोड भी गाइड कर देता हूँ। ये रोड से हमें सीधा सीधा जाने का है, और आगे आपको एक टर्निंग आएगा, जैसे आप देखोगे अभी अभी यहाँ पर ये टर्न आता है, वहाँ से लेफ्ट मारने का है और ये रोड से सीधा जाने का। वैसे तो रोड छोटा है पर ठीक है, मतलब इसका भी कुछ काम हुआ ही नहीं है रोड का, बहुत सारे गड्ढे भी है ये रोड पे, क्या कर सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ही ऐसी है तो कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली रोड गांव में होके ही जाता है, तो आजू बाजू बहुत सारे घर है, और यहाँ से राइट मार सकते हैं और लेफ्ट में भी जाता है रोड एक्चुअली, पर राइट ये रोड अच्छा है एक्चुअली, मतलब मंदिर तक तो अच्छा है रोड। आप देख सकते हो कुछ लोग मतलब जब भी यहाँ पे महाशिवरात्रि रहती है तभी बहुत सारी भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे मेला भरता है, तो वो टाइम पे बहुत सारे लोग चल के आते हैं, अभी भी कुछ लोग चल के आते हैं। हम लोग जब भी कॉलेज में थे तभी भी हम लोग चल के आते थे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे कपल्स आते हैं यहाँ पर एक्चुअली ये मंदिर के तरफ। और हम लोग फाइनली आ चुके मंदिर के गेट पे। ये यहाँ तक कि बाइक और फॉलो अलाउड है, इसके आगे नहीं है अलाउड है। इसके बाद हम लोग चल के आप देख सकते हो सामने मंदिर है ये धूपेश्वर का, आजू बाजू में नारियल जो और सुपारी रहती है वो उसका पेड़ है। एंट्रेंस बहुत ही गजब डेकोरेशन करते हैं यहाँ पे, मौसम लगता है। और महाशिवरात्रि का तो बहुत सारे लाइटिंग रहती है वो टाइम पे, तो बहुत ही बढ़िया दिखता है और यार अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और यार ये रहा मंदिर के बाजू में एक्चुअली झरना है, और इसमें ये लेफ्ट साइड में वाटरफॉल भी है, बारिश में बहुत ही गजब दिखता है ये सीन यहाँ के पर, और पानी बहुत आता है यहाँ पे। आप देख सकते हो अभी धूप है यहाँ पे तो पानी भी ज़्यादा नहीं है, और ये धूप में आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है आपको पत्थर के ऊपर डाला हुआ वो कोकम है, जो कोकम बनते हैं ना वो यहाँ पे ऐसे बनाते हैं कोकम। और यह आँखें है टगरू का मंदिर है, यहाँ से ही बहुत सारे फ़ोटो खींचे जाते हैं, जो गूगल पे नेट पे जो फोटो है यहाँ से खींचते हैं मंदिर के।
आप लोग सब देख सकते हैं, ये मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं। और यहाँ पे हम लोग आगे जाएंगे अभी मुक्तागुरु के मंदिर में। वहाँ पे आप एक आदमी को देखोगे, वो आदमी के बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग डाल रहा हूँ, उसमें आपको बताऊँगा डिटेल में। बहुत ही खास बात है और फेमस आदमी है यहाँ के। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करने वाले हैं इसके। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।